आज समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो दे रहे हैं 31 दिन 2020। समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सबसे पहले विचार करना है कि समानांतर श्रेणी कहते किसे। समानांतर श्रेणी जो समान रूप से बढ़े, एक ऐसा श्रेणी जो समान रूप से बढ़े या घटे उसे हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे समानांतर श्रेणी एक ऐसा श्रेणी जो कि समान रूप से बढ़े या घटे उसे हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। इफ ए सीरीज इंक्रीज और डिक्रीज बाय सेम कांस्टेंट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्टकट में इसको एपी बोलेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 आर इन एपी, आर इन एपी 3, 5, 7 आर इन एपी 5, 10, 15 आर इन एपी 15, 11, 4 घट गया 11, 11 में से 4 घट गया 7, 3, 3 में से 4 घटा -1, फिर 4 घटेगा -5 आर इन एपी। समान रूप से बढ़े या समान रूप से घटे, जैसे ये 2, 2 हर जगह बढ़ रहा है, ये 2, 2 बढ़ रहा है, 3, 2 5, 5, 2 7, 7, 2 9 इस तरह समान बढ़ रहा है, 5, 10, 15 ये समान हर जगह 5, 5 बढ़ रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है घट रहा है, लेकिन समान रूप से घट रहा है 15, 11, 7, 15 में से 4 घट गया 11, फिर 4 घटा 7, फिर 4 घटा 3, फिर 4 घटा। हर जगह कॉमन डिफरेंस समान है, सार्वंतर समान है। इसलिए इस तीनों लाइन को देखने के बाद में एक सूत्र बनता है सार्व अंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस। एनी टर्म ANY एनी टर्म माइनस जस्ट प्रीवियस टर्म अर्थात D इजकल टू कोई भी पद ले लेंगे और ठीक उससे पिछला पद को घटा देंगे D निकल जाएगा। यहाँ D बराबर 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2, यहाँ D बराबर 7 माइनस 5 2, यहाँ D बराबर 15 माइनस 10 5, यहाँ D बराबर 3 माइनस 7 माइनस 4। कॉमन डिफरेंस समान अंतर हर जगह समान होता है। अब समानांतर श्रेणी का परिभाषा जानने से यह फायदा हुआ कि अगला चैप्टर में जितना भी सवाल है ज़्यादातर उसमें यही है कि दिया हुआ श्रेणी समानांतर श्रेणी में है या नहीं है इसे पहचाने। जैसे हमको दे देगा यहाँ पर 3, 7, 10, 13, क्या यह समानांतर श्रेणी में है
नहीं है। का है यहाँ पर 3 7 में 4 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस, इस जगह 4 हो गया, इस जगह 3 हो गया, एक जैसा डिफरेंस नहीं है, मतलब यह समानांतर श्रेणी में नहीं है। इसी जगह रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12 देखने से लग रहा है कि यह समान है, लेकिन रूट 3 का मान 1.732, रूट 6 का मान 2 कुछ होगा, इसका मान 3 होगा, इसका मान 3 कुछ होगा, मतलब यह समानांतर श्रेणी में नहीं। अब सवाल उठता है कि एपी में दसवां में 2 सवाल पढ़ना है, किसी भी पद, किसी भी श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करें और एन पदों का योग ज्ञात करें, बस यही 2 ही सूत्र पर हमको 10 नंबर मिलेगा। अगर एन पता हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक यह सूत्र है और एक सूत्र है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये 2 सूत्र है, ये 2 सूत्र पढ़ लेने से हमारा 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म। सबसे पहले हम लोग किसी भी एपी का एनवा पद निकालने पर विचार करते हैं, जैसे टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का एनवा पद ज्ञात करें। लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड डी बी दी कॉमन डिफरेंस, छोड़िए हिंदी में बोलते हैं, माना कि प्रथम पद, माना कि प्रथम पद ए और पदांतर डी है, माना कि प्रथम पद ए और पदांतर डी है, इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड डी बी दी कॉमन डिफरेंस। चलिए पहला पद ए, इसी प्रकार दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस डी प्लस डी अर्थात 2d, फिर एगो डी बढ़ गया, चौथा पद ए प्लस फिर एगो डी बढ़ जाएगा 3d, पांचवा पद ए प्लस 4d, छठा पद ए प्लस 5d, सातवा पद ए प्लस 6d, छोड़ी हाँ दसवां पद ए प्लस 9d, ठीक बात। इसी तरह से सौवां पद अगर लिखना होगा तो ए प्लस 99d, मतलब अगर एनवा पद लिखना हुआ तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, यह तुम्हारा अभिष्ट समीकरण हो गया, सूत्र बन गया। अब टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म nth टर्म ऑफ एन एपी, बंद कर दो ये, किसी एपी के एनवा पद ज्ञात करें, एपी के एन पदों का योग ज्ञात करें, माना कि प्रथम पद ए तथा पदांतर डी है, ये बड़ा लिखा गया है।
ठीक है, एन पदों का योग, एनवा पद निकालने पर हम दो तीन सवाल देते हैं, तो लोग बना करके जल्द से जल्द हमको वीडियो आंसर उसका भेजो, तब हम तुमको एन पदों का योग सिखाएंगे। जैसे मन से पहला सवाल, 3, 10, 17 का 50वां पद ज्ञात करें। दूसरा सर ये ज्ञात करने के लिए, डी ज्ञात करने के लिए सब दीजिएगा, का 30वां पद तथा पदांतर बताएं। √3, 2√3, 3√3 का 30वां पद तथा पदांतर बताएं। ये तीन सवाल हम मन से दिए, इसको बना करके जल्दी भेजो।